السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني हर किस्म की हमदोसना रब्लामी के लिए है और दुरुआसम हो इमामउलिन आखिरन ख़ातमनबी जनाब महम्मसूल सल्ला वसलम की कदस पर महतरम सामयीन आप सब जानते हैं कि रमज़ानुमबारक का बाबरकत महीना रमजान मुबारक का मगफ़रतों से भरपूर महीना और रमजान मुबारक का बरकतों से भरपूर महीना हम पर साया फगन है और इस महीने की आमद पर अल्लाह रब्बुल रबालमीन की तरफ़ से मोमिनों को ये एज़ाज़ मिलता है कि रब्लामी मोमिनों के अजर सवाब को बढ़ा चढ़ा देता है एक एक अजर का अजर सवाब अल्लाह अपनी रहमत से बहुत ज़्यादा बढ़ा कर देता है हती के रिवायत के मुताबिक अगर एक इंसान एक नफली अमल करता है तो अल्लाह उसे फ़र्ज़ के बराबर अजर दे देता है ये वो महीना है कि जिसके आगाज़ से पहले हम में से हर शख्स तैयारी शुरू कर देता है कि मैंने रमजान मुबारक में ये ये काम करने हैं इन अच्छे कामों को रमज़ान मुबारक में अमल करना है इन अच्छे कामों को अंजाम देना है मेरे दोस्तों ये रमज़ान तो वो महीना है कि अगर आप गौर करें इसकी बरकतें रहमतें और मगफरतें सब पर यसा बरसती हैं जिस तरह किसी इलाके पर बारिश हो जाए तो वो बारिश सब पर यसा बरसती है कभी ऐसा नहीं होगा कि एक घराने पर बारिश के कतरे ज्यादा गिर जाए और एक घराने पर रब की रहमत कम बरसे बल्कि सब पर यसा बरसती है फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन बारिश के कतरों से जो नर्म जमीने होती हैं वो लहलाहा उठती हैं वहाँ फल फूल पौधे दरख्त बेशुमार उगाते हैं बहुत सारे इलाके में मौजूद दरिया डैम और मुख्तलिफ किस्म के हौज अपनी अपनी वसातों के मुताबिक उस रहमत के पानी को जमा कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरह अगर हम में से हर शख्स ने रमज़ान करीम की रहमतें समेटनी है तो हम में से हर शख्स को अपने दिल की ज़मीन को नरम करना है अपने दामन को वसी करना है हमने ये देखना है कि हमारा दामन कितना वसी है क्या हमने अपने इस दामन को वसी करने के लिए अपने दिल की जमीन को नरम करने के लिए पहले से कोई तक की है या नहीं की हम रमज़ान के आगाज़ से पहले इक्राम के दुरूस में वाजो नसीहत के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हम सुनते हैं कि आपने नेकी करनी है आपने गुनाह से बचना है लेकिन हम में से बहुत से ऐसे होते हैं कि रमज़ान करीम की इब्तदा होते ही नेकियां तो करते हैं क्योंकि ये नेकियों का मौसम बहार है ये है ही नेकियों का महीना इसलिए कि ये अल्लाह का मेहमान महीना ये हमारे लिए बहुत सी सौगातें लेकर आता है ये हमारे लिए रोज़े जैसी सौगात लेकर आता है हम इस महीने में क़्यामैल नमाज तरावी का अहतमाम करते हैं हम इस महीने में सदक़ात व खैरात का अहतमाम करते हैं लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं ये सारी नेकिया हैं लेकिन इन नेकियों को बाज दफा हम ज़ाया भी कर देते हैं हम नेकी तो करते हैं जो तैयारी रमजान से पहले हमने शुरू की थी कि हमने रमज़ान में ये ये नेक आमाल करने हैं रब का जिक्र करना है कुरान की तिलावत करनी है कुरान को सीखना है कुरान मजीद को सुनना है उसको समझना है उस पर अमल करना है यह सारी तैयारी पहले कर लेते हैं और रमजान में इन अमाल को अंजाम भी देते हैं लेकिन फिर उन नेकियों को जाया करने वाले अमाल कर लेते हैं उन नेकियों के साथ साथ हम में से बहुत से अफराद गुनाह में भी मुलविस नजर आते हैं आपको चंद मिसालों से मैं यह समझाता हूं कि बाज गुनाह ऐसे होते हैं इतने खतरनाक और महलिक होते हैं कि वो इंसान की नेकियों का कफारा बन जाते हैं इंसान की नेकियों को खत्म कर देते हैं जो उस इंसान ने सारा साल मेहनत की थी रमजान करीम के रोजे रख कर क्यामैल का अहतमाम करके रमजान में नेकियां की थी ये बुराइयां और ये गुनाह इतने महलिक होते हैं कि ये उन नेकियों को खत्म करके रख देते हैं और बाज नेकियां इतनी पावरफुल होती हैं इतनी अच्छी और बेहतरीन होती हैं कि वो इंसान के गुनाहों को खत्म करने का बायस बनती हैं आइए सबसे पहले मैं आपको मिसाल देता हूं कि वो गुनाह के जो इंसान की नेकियों को खत्म कर देते हैं वो कोई बहुत बड़े बड़े गुनाह नहीं है हम में से बहुत से अफराद उन गुनाहों को मामूली समझते हैं उन गुनाहों को कोई अहमियत ही नहीं देते मिसाल के तौर पर आप अली सलात ने एक कबीरा एक बड़ा गुनाह बताया है और वो गुनाह क्या है आपने फरमाया कुमल हसद हसद वाला गुनाह ये इतना अजीम और इतना मोहलिक है या कुल ये इंसान की नेकियों को खा जाता है कमाता कुल नारतब आपने फरमाया जिस तरह लकड़ी को आग खा जाती है जलाकर राख कर देती है इस तरह हसद वाला गुनाह इतना मोहलिक है कि ये इंसान की नेकियों को खत्म करके रख देता है एक दूसरा गुनाह कि जिसे हम कोई तवज्जो नहीं देते हम में से बहुत से अफरा उस गुनाह में मुलविस हो जाते हैं वो गुनाह कौन सा है नबी सलासलाम की यह हदीस उस असिलसिलहदीस में इमाम अलबानी ने नकल फरमाई है सलाम ने नेकियों की फहरिश बताई और फिर उसके बाद आपने एक ऐसा गुनाह बताया कि जिस गुनाह की तरफ हम में से बाज अफराद की तवज्जो ही नहीं होती हम उस गुनाह में मुलविस होते हैं और यह समझते हैं कोई बात नहीं कर लिया तो नबी ने सलात ने फरमाया वह इन बद अखलाकी वाला गुनाह किसी के साथ बदतमीजी कर ली किसी को बुरा कह दिया यह सारी चीजें बद अखलाकी हैं किसी को बुरा भला कह दिया ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जो नाजेबा अल्फाज हैं अच्छे नहीं हैं ये सारी बदखलाकी के ज़िमरे में है आज हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते नबीम ने फरमाया वह इन नद अखलाकी वाला गुनाह इतना मोहलिक और खतरनाक है युफ सिदुलमल ये इंसान के अमल को खराब करके रख देता है मायुस्द जिस तरह शहद में सिरका डाल दिया जाए तो वो सिरका शहद को खराब कर देता है इसी तरह बदखलाकी वाला गुनाह भी इंसान के अच्छे अच्छे आमाल को नेक आमाल को खराब करके रख देता है बजाहिर हम इस गुनाह को मामूली समझते हैं लेकिन प्यारे पैगंबर ने फरमाया ये इतना मौहलिक गुनाह है कि ये गुनाह नेकियों का कफारा बन जाता है इसी तरह एक और गुनाह की मिसाल दूं कि आप सलाम ने अबू दाऊद शरीफ में यह रिवायत मौजूद है आप सलाम ने फरमाया दो मुसलमान दो लोग आपस में झगड़े हुए हो यह लड़ाई झगड़ा यह आपस का तफरका आपस में बुग्स अदावत कीना कपट ये इंसान के लिए उसकी नेकियों के लिए इतना मोहलिक होता है इतना बड़ा गुनाह होता है कि आप अली सलाम ने फरमाया हालिका ये मूड के रख देता है किस चीज को मोड़ता है आप में से बहुत से लोग हज हमरे पर जाते हैं वहां जाकर अपने बालों को मंडवाते हैं हलक करवाते हैं जिसको अरबी जबान में हलक कहा जाता है मजीद में इस बारे में आयत भी है मुकसरीन महलकिन उन अफराद को कहते हैं कि जो लोग अपने सर के बाल मुकम्मल तौर पर उड़वा देते हैं उतरवा देते हैं हालिका ये लड़ाई झगड़ा आपस का बुग्ज अदावत यह इतना बड़ा गुनाह है कि यह मुंड के रख देता है फिर आप सलाम ने उसकी वजाहत की कि किस चीज को मुंडता है आप अली ने फरमाया ला अकुलु मैं ये नहीं कहता कि यह गुनाह ताहकुशार तुम्हारे सर के बाल मुंड देगा बल्कि आप अली ने फरमाया वाकिन तहलीकुल्दीन ये गुनाह इतना खतरनाक है कि यह तुम्हारे दीन को मूड के रख देगा तो फिर अकलमंदी क्या हुई क्या अकलमंदी यह है कि हम नेकियां भी करें मेहनत भी करें और अपने ही हाथों उन्हें जाया भी कर दें। बल्कि अकलमंदी तो यह है कि हम में से हर शख्स नेकी भी करे और उस नेकी की हिफाजत करके दिखाए उस नेकी की हिफाजत कैसे होगी कि गुनाह से बचे या ऐसे अमाल करे कि जो गुनाह को खत्म करने का बायस होते हैं आपको मैं इसकी भी मिसाल पेश करता हूं कि वो अमाल वो नेकियां कि जो इंसान के गुनाहों का कफारा बन जाती हैं इंसान के गुनाह को खत्म कर देती हैं वो नेकियां उनमें से एक नेकी आप सलाम ने फरमाया सदका करना ये ऐसा अमल है कि ये इंसान के गुनाहों को बुझा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है इस तरह सदके वाली ने नेकी वो इंसान के गुनाहों को बुझा के रख देती है एक और बेहतरीन ने की, कि जिसके जरिए हम में से हर शख्स अपने बुरे अमाल को खत्म करा सकता है वो नमाज जैसी नेकी है नमाज वाली नेकी ये इंसान के गुनाहों को ख़त्म करने का बास है अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्नल हसनात हसन युजहिबन बाज बा नकिया ऐसी होती हैं कि वो इंसान के गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं यानी हसनात वो सैआत को ख़त्म कर देती हैं नमाज की इब्ता में वू होता है वजू ऐसा बेहतरीन अमल है नबी नबीलाम ने फरमाया जब एक इंसान वजू करता है और वजू में अपने हाथों को धोता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हाथों के गुनाहों को झाड़ देते हैं खत्म कर देते हैं और जब वो अपने चेहरे को धोता है तो चेहरे को धोने की बदौलत अल्लाह आंखों के नाक और मुंह के गुनाहों को खत्म कर देता है क्योंकि ये वजू ऐसा बेहतरीन अमल है ये इंसान को गुनाहों से पाक कर देता है और प्यारे पैगंबर की एक हदीस माजा में मौजूद है कि आप ने पांच नमाजें ये ऐसी हैं इनका अजर सवाब तो है ही अल्लाह ने देना ही है लेकिन इनमें खूबी यह भी है कि ये इंसान के गुनाहों को खत्म करती हैं फरमाए पांच नमाजें एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान इंसान से जो सगीरा गुनाह हो जाते हैं अल्लाह रब्बुल रबीन दूसरी गुन, नमाज की बरकत से इस दरमियान होने वाली खताओं को मुआफरमा देता है वल जुमा तो जुमे के दिन जुमे में हाजिर होना जुमे का खुतबा सुनना नमाज में शरीक होना ये ऐसा बेहतरीन अमल है फरमाया अगर एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान कुछ गुनाह हो गए खतएं हो गई मासीतें और लिश सरजद हो गई तो अल्लाह रब्बुल रबीन दूसरे जुमे की बरकत से सबका गुनाहों को माफ़ फरमा देता है फरमाया वर रमज़ान इला रमजान और एक रमजान से दूसरे रमजान के दरमियान जो खताएं हो जाती हैं अल्लाह दूसरे रमजान की बरकत से सबका सारी खताओं को माफ़ फरमा देता है अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रबालमीन इस रमजान की बरकत से हमारी सबका तमाम लफजिशों को माफ़ फरमा दे लेकिन ये लफजिशें माफ़ जब होंगी प्यारे पैगम्बर ने एक कंडीशन बयान की है आपने फरमाया इज तुनी बतिल कबाइर अगर तुम नमाज वाली इबादत करके गुनाह माफ कराना चाहते हो जुमे की अदायगी करके गुनाह माफ कराना चाहते हो रमजान की बरकत से गुनाह माफ कराना चाहते हो तो इज बतिल कबायर, कबीरा गुनाहों से बचना शुरू कर दो अल्लाह सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा क्योंकि अल्लाह का वादा है इन तज तबरमा तुन अन, आति कुम वनुद ख़िल को मुदखलन करीमा अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचना शुरू कर दो तो अल्लाह तुम्हारे सगीरा गुनाहों का कफारा बना देगा इस अमल को यानी गुनाह से बचना यह भी बजात खुद एक नेकी है नबीलाम ने सई बुखारी शरीफ की एक रिवायत है आप असलातम ने फरमाया जब एक इंसान गुनाह का इरादा करता है तवील हदीस है फरमाया जब एक इंसान गुनाह का इरादा करता है फलम या अमल बिहा लेकिन वो गुनाह करता नहीं है कतब अल्लाहा हसनतन कामिलतन अल्लाह रब्बुल रबीन उसे एक नेकी जरूर बिल जरूर मुकम्मल तौर पर दे देता है देखिए उसने नेकी नहीं की वो गुनाह करने का इरादा रखता था लेकिन गुनाह नहीं किया अल्लाह ने उसे एक नेकी अता कर दी है तो हम अकलमंदी किस बात को समझें कि नेकियां करनी है उन नेकियों की हिफाजत करनी है गुनाह से बचकर लेकिन यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि ये गुनाह क्या चीज है और नेकी क्या चीज है हमें इसका तारुफ इस बारे में कुछ मालूम तो हो कि हम समझ जाएं कि ये अमल नेकी वाला है ये गुनाह वाला अमल है उसकी पहचान उसको समझने के लिए मैं आप हजरात की खिदमत में एक उसूल और कानून वजा करता हूं अरबी का एक कायदा है तो अगर आपने यह समझना हो कि इस चीज की हकीकत क्या है तो उस चीज की जिद से उसको समझ लें आपको उस चीज की हकीकत समझ में आ जाएगी मिसाल के तौर पर आपने ये समझना हो कि रात किसे कहते हैं तो आप उसकी जिद दिन को समझने की कोशिश करें कि दिन वो होता है कि जिसमें रोशनी होती है उजाला होता है और उसमें आप दीगर चीजों को देख सकते हैं ये दिन होता है इसकी जिद क्या हो गई रात हो गई रात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि रात उसे कहते हैं कि जिसमें अंधेरा होता है और किसी को कुछ नजर नहीं आता बिल्कुल इसी तरह अगर आपने नेकी को समझना है तो पहले गुनाह को समझें कि गुनाह किसे कहते हैं गुनाह का फलसफा क्या है गुनाह के बाद उसकी सजा और जजा का इम्प्लीमेंट बंदे पर होना चाहिए या नहीं इसलिए कि गुनाह के हवाले से मुख्तलिफ दौर में उसी ने मंतकीन ने और बहुत से फलसफियों ने मुख्तलिफ बहसें की हैं के गुनाह किसे कहते हैं और मुख्तलिफ तस्वुरा पेश किए हैं किसी ने कहा गुनाह इसे कहते हैं मिसाल के तौर पर फितरत के मानने वाले यानी जिसे आप कहते हैं नेचर के मानने वाले वो ये कहते हैं कि इंसान पैदाइशी तौर पर फितरत के उसूलों में जखड़ा हुआ है उसकी फितरत में गुनाह करना लिखा हुआ है लिहाजा अगर कोई वो गलत काम करेगा तो फितरत के हाथों वो मजबूर है और वो गुनाह का काम उससे सरजद होता रहेगा लिहाजा उस पर गुनाह का इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए उसे गुनाह की सजा नहीं मिलनी चाहिए यह एक नजरिया है गुनाह के हवाले से तरबियत के मानने वालों का एक दूसरा नजरिया है वो कहते हैं गुना हर बुरे काम को कहते हैं हर बुरा काम चाहे दुनिया के हवाले से हो या दीन के हवाले से हो वो कहते हैं इंसान पैदाइशी तौर पर एक सादा वर्क की तरह होता है उस वर्क पर उस कागज पर आप जो भी लिख दें वो उस पर सब्त हो जाता है अब वो इंसान पैदाइशी तौर पर सादा वर्क की तरह था उसके माहौल ने उसे मुतासर किया कुछ आदतें उसे सिखा दी जिसे शरीयत अच्छा और अच्छाई और बुराई का नाम देती है अगर वो कोई भी काम करता है तो उस पर जजा व सजा का इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए इसलिए कि उसे माहौल ने जो सिखाया था उसने वो काम कर लिया एक तीसरा नजरिया है चर्च का नजरिया चर्च का नजरिया यह है कि इंसान की इब्तदा आदम अलीलाम से हुई है और आदम अली से जन्नत में एक खता हुई थी जिसे वो लोग मासीत असली का नाम देते हैं ओरिजिनल सिन वो कहते हैं उनसे वो गलती सरजद हुई लिहाजा उस बिना पर सारी इंसानियत गुनाहगार है खताकार है अगर कोई गलत काम करती है तो उसी बेस पर करती है कि आदम से आदम अली सलाम से एक गुना हुआ था कहा जी अगर कोई गुना होता है तो उसकी जजा सजा उस इंसान को नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी असल से गुना हुआ है और फिर असल से जब गुना हो गई थी तो सारी इंसानियत गुनाहगार थी इस एतबार से तो अल्लाह रब्बुल रबीन ने इस गुनाह का कफारा अदा करने के लिए नउूजुला अपने बेटे को भेजा ईसा को और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया लिहाजा वो गुनाह का कफारा हो गया अब कोई भी इंसान नेकी करता है या खता करता है खता करता है तो उसकी सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए ये मुख्तलिफ नजरियात थे लेकिन इस्लाम का नजरिया इसके बरक्स है इस्लाम हमें नेकी और बदी का तारुफ भी कराता है और नेकी और बदी की पहचान भी सिखाता है नेकी और बदी का तारुफ इस्लाम हमें किस तरह कराता है इस्लाम कहता है कि अल्लाह रबालमीन ने एक इंसान को इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है ये दुनिया उसके लिए इम्तहान गाह है उसने यहाँ पर इम्तहान देना है और कुरानी मजिद की आयात से भी वाज होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन सूर्य मुल्क में इरशाद फरमाता है फरमाया अल्लज़ी वल अय्युकुम अहसनु अमला इस इंसान को जिंदगी और मौत के दरमियान जो वक्त फराहम किया गया है इस इम्तिहान गाह में ये इसीलिए लियबलकुम अय्युकुम अहसनु अमला के इसमें अच्छे आमाल कौन करता है सूरह कहफ में फरमाया इंसान को कुछ आजादी भी है और इंसान यहाँ पर कुछ ना कुछ मजबूर भी है हम देखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स को कुछ आजादी भी होती है मिसाल के तौर पर वो पानी पीने के लिए उठ सकता है अपने टीचर से कोई सवाल भी कर सकता है लेकिन वहां वो मजबूर भी होता है कि उसे गैर जरूरी काम वहाँ नहीं करने बिल्कुल इसी तरह दुनिया में भी अल्लाह आलमीन ने इंसान को ना तो महज मजबूर बनाया है और ना ही उसे मुतलक आज़ादी दे दी कि जो चाहे करो बल्कि इस इम्तहान गाह में आलमीन ने उसकी आजमाइश के लिए उसे कुछ आजाद भी बनाया है और कुछ उसे मजबूर भी किया है आजादी कहाँ दी है आजादी उससे उमूर शर्या के अंदर दी है और वहां कुछ उमूर में मजबूर है वो उमूर उमूर कदरिया है उमूर फितरिया है यहाँ पर इंसान मजबूर है उमूर फितरिया उमूर कदरी या कुछ असूलों को कहते हैं कि जिस तरह मैं उसकी मिसाल आपको पेश करूं इंसान को अल्लाह ने आंख दी है आंख का काम देखना है ये उमूर फितरिया है आंख का काम देखना है कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान का हाथ देखना शुरू कर दे यहां पर इंसान मजबूर है आंख देखेगी इसके अलावा इंसान के पास चारा नहीं है लेकिन उमूर शरिया ये है कि इंसान की आंख क्या देख रही है इंसान की आंख का देखना ये उमूर कदरिया से ताल्लुक है लेकिन क्या देख रही है किसी महरम को देख रही है किसी गैर महरम को देख रही है अच्छी चीज देखी है इस आंख ने या बुरी चीज देखी है इंसान की जजा व सजा का इम्प्लीमेंट उसकी इस आजादी पर होगा कि अल्लाह ने जहां उसे आजादी दी थी उस आजादी का उसने कैसा इस्तेमाल किया है अगर वो इंसान आजादी का सही इस्तेमाल करता है तो वो नेकी होती है अगर वो इंसान उस आजादी का गलत इस्तेमाल करता है तो वो गुनाह होता है कुरान मजीद में अल्लाह आलमीन ने इरशाद फरमाया जहन्नम कसीरमिन इंस हम जिनो इंस को और इनमें से बहुत से लोगों को जहन्नम में डाल देंगे जहन्नम में भर देंगे इसलिए लहु कुलूब उन उनके पास दिल था सोचने समझने के लिए उन्हें दिल अता किया था व लहुम आजान उनके पास कान भी थे सुनने के लिए और उनके पास देखने के लिए आंखें भी मौजूद थी लेकिन अल्लाह फरमाता है यहां पर उला इका देखने की सलाहियत जानवर के पास भी थी सुनने की सलाहियत जानवर के पास भी थी धड़कता हुआ दिल वो जानवर के पास भी था फरमाया इंसान और जानवर यहां पर बराबर है यहां मजबूर हैं ये उमूर ना जहां मजबूरी थी वहां उमूर फित्रिया थे वहां कोई जजा व सजा और कोई पूछ नहीं है कि अल्लाह ने आपको आंख दी थी इसका जवाब दो लेकिन हाँ अल्लाह ने आंख दी थी देखने के लिए अब तुमने देखा क्या है उससे गैर महरम को देखा है अल्लाह ने सोचने के लिए दिलो दिमाग दिया था उससे गलत तरीके से लोगों को धोखा देने की प्लानिंग की थी अल्लाह ने सुनने के लिए कान दिए थे उन कानों से अच्छी बातें सुनी थी या, की बाते या फिर गाने वाली गाने बजाने ये सुने थे क्या सुना था जवाब इस बात में देना है फरमाया अगर ये सुनने के बावजूद इसको सुनने की सलाहियत दी लेकिन अच्छी बातें नहीं सुनता सोचने की सलाहियत दी अच्छी बातें नहीं सोचता देखने की सलाहियत दी लेकिन वो अच्छी बातें नहीं देखता फरमाया कल बल अजल यहाँ पर ये से भी बदतर है क्योंकि अल्लाह ने इसे इख्तियार दिया था अच्छे बुरे की तमीज सिखाई थी इसकी फितरत में अच्छाई और बुराई को वदियात कर दिया था फरमाया फजूर हा वतवा इसे अच्छाई क्या है वो भी बता दिया था बुराई क्या है वो भी समझा दिया था लेकिन इसने अपनी फितरत को मस्क कर दिया इसने समझा ही नहीं रब की दी हुई आजादी का गलत इस्तेमाल किया लिहाजा यह गुनाह में मुलिस है यह गुनाह की खारजी पहचान थी एक गुनाह की खारजी पहचान यह भी हो सकती है क्योंकि गुनाह से जब ही बच पाएंगे जब हमें गुनाह की पहचान होगी नेकी की तरफ जब ही आएंगे जब हमें नेकी का मालूम होगा कि ये नेकी है गुनाह की एक दाखिली पहचान होती है एक खारजी पहचान कि हम उसके जरिए पहचान सकते हैं कि ये गुनाह वाला काम है ये बुरा काम है गुनाह की खारजी पहचान एक तो ये है कि हम कुरान मजीद या अहादीस के जरिए पहचान सकते हैं कि प्यारे पैगम्बर अलीलाम ने जिन उमूर पर जन्नत की बशारत दी है या कुछ ऐसे आमाल जैसे लफ्ज खैर का इस्तेमाल किया है तो हम समझ जाएंगे ये नेकी वाला काम है जिस तरह कुराने मजीद में अल्लाह रबालमीन नेकी का जिक्र करता है और फिर फरमाता है लफ्ज खैर आ गया इसका मतलब है कि यह नकी है लफज बिर आ जाए जिस तरह अल्लाह फरमाता है बिर्र मन आमन हत्ता ये बिर वाले काम है हम समझ जाएंगे ये नेकी वाले काम है ये गुनाह की खारजी पहचान है लफ्ज हसनात आ जाए कुरान मजीद में या अहादीस मुबारक के मुताले में हमें हमारे सामने ये लफ्ज आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये नेकी वाला काम है इसी तरह गुनाह को भी समझने के लिए बाद अल्फाज हैं कि कुछ अमाल ऐसे होते हैं कि प्यारे ने या तो उनसे बचने का हुक्म दिया होता है या फिर नबी सलाम ने उन अमाल के करने वाले को उसकी सजा बताई होती है कि इस अमल की ये सजा है उससे बचना है ये गुनाह है और कुरान मजीद में अगर आपने अल्फाज देखने हैं तो लफ्ज शर आता है शर वाले काम को आपने छोड़ देना है लफन आता है लफ्ज फसाद आता है ये बाज अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमें खारजी तौर पर गुनाह की पहचान कराते हैं कि यह गुनाह वाला काम है इससे रुक जाना है एक गुनाह की दाखिली पहचान भी है दाखिली पहचान क्या है कि इंसान का अपना नफ्स उसे बताएगा कि ये अच्छाई है या ये बुराई है मिसाल के तौर पर बहुत दफा ऐसा होता है कि कुरान मजीद अहादीस से नावाकफियत ना इल्मी की बुनियाद पर हम में से बहुत से लोग बाज दफा परेशान हो जाते हैं कि ये अमल नेकी वाला है या ये अमल गुनाह वाला है समझ नहीं आता उलमा से रबता नहीं हो पा रहा और उसका फैसला जल्द करना है लेकिन समझ नहीं आता कि ये नेकी है या बुराई है तो आपका अपना नफ्स आपको बताएगा कि ये नेकी है या ये गुनाह वाला काम है नबी सलाम से सैदना वाबसा बिन मबद रजी अल्लाह तन ने सवाल किया अनिल बिर रेवल इम प्यारे पैगंबर ये बताइए नेकी क्या है और गुनाह क्या है और इसकी पहचान क्या है आप ने उसकी दाखिली पहचान ये बताई आपने सयदना वाबसा बिन महब के सीने पर हाथ रखा और फरमाया इस तफ्ती कलबक अपने दिल से पूछ लिया करो तुम्हारा दिल तुम्हें बताएगा कि ये नेकी वाला काम है या बुरा काम है एक रिवायत में आता है ने नेकी की पहचान बताते हुए फरमाया अल खुलुक नेकी अच्छा अखलाक है जाहिर सी बात है जो अच्छा अखलाक अपनाता होगा उसके जहन में यह होगा कि झूठ क्या होता है सच क्या होता है नेकी और बदी की पहचान करने वाला होगा क्योंकि उसकी बुनियाद अच्छा अखलाक उसे पता है फरमाया नेकी ये है अच्छा अखलाक वल और वाबसा से यह फरमाया कि तुमने गुनाह की पहचान पूछी थी मैं तुम्हें बताता हूं वल बिरु माहा कफी नफसिक कभी ऐसा हो जाए कि तुम किसी काम में तरदुद में मुबतला हो जाओ तुम फैसला ना कर पाओ लेकिन तुम्हारे जहन में यह ख्याल आ जाए कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो लोग क्या कहेंगे लोग कैसी बातें बनाएंगे तो फरमाया फिर उस उस अमल से रुक जाना क्योंकि वो गुनाह वाला काम होगा उसने तुम्हारे दिल में शक पैदा कर दिया नेकी यकीन की बुनियाद पर की जाती है हमें मालूम है कि ये नेकी है तभी तो हम नेकी करेंगे लेकिन जहां शक पैदा हो जाए कि लोग क्या कहेंगे और दिल में खुटका पैदा हो रहा है तो नबी सलाम ने फरमाया वल माहा महाकफी सदरिक जो बात तुम्हारे दिल में खुटका पैदा करे उसे छोड़ देना यह गुनाह वाला काम है तो ये थी नेकी और बदी का कुछ तारुफ और नेकी और बदी की पहचान अब आइए कि शरीयत कहती है कि जो इंसान अपनी आजादी का सही इस्तेमाल करते हुए कुछ नेकी वाले काम कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल रबुल उस नेकी की उसे जजा देते हैं और अगर कोई इंसान गुनाह वाला काम करता है तो अल्लाह रब्बुल रबालमीन उसे उस गुनाह की सजा देते हैं गुनाह की सजा क्या है सूरत अल्लाबीन ने गुनाह की सजा से मुताल गुफ्तु गुफ फरमाई है फरमाया जहन्नम का जहन्नम ये खात लगाए हुए हैं किन लोगों के लिए उन लोगों के लिए के जो सरकश हुए हैं जो सरकशी पर उतर आए हैं गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं और उन्हें गुनाह का एहसास ही नहीं होता गुनाह करते करते एहसास ही खत्म हो गया फरमाया ये सरकश हो गए हैं इन सर्कशों का ठिकाना जहन्नम है और वो जहन्नम इनके इंतजार में है ला बीना अहकाबा ये उस जहन्नम में कई साल तक ठहरेंगे मैं यहां रुककर इन आयत से एक इस्तेदलाल पेश करना चाहता हूं और ये सुनने के बाद हम में से हर शख्स ने कोशिश करनी है कि गुनाह से बच जाएं क्योंकि यह से भी फरमाया इन नहन्नम का गुनाह करने वाले सरकशों के लिए जहन्नम तैयार है और मिरसादन खात लगाए हुए बैठी है म मिफाल के वजन पर है और मिफाल आल मुबालगे का सीधा है यानी शदीद इंतजार में है और मिरसाद से एक माना यह भी समझ में आता है कि मरसद कहते हैं खात वाली जगह को खात शिकारी जब शिकार करता है तो पहले एक खात एक गढ़ा बनाता है और उस शिकार को तलाश करते करते जब उसे शिकार नजर आता है तो वो छुप कर उसका शिकार करता है फरमाया जहन्नम शिकार करने के लिए खात में बैठी हुई है कि किसी तरह कोई गुनाहगार आ जाए और मैं उसको झपट लू मरसद ये अदीस में पुल सिरात के लिए भी आया है कि पुल सिरात वहां से हर शख्स ने गुजरना है जो सरकश नाफरमान गुनाहगार होगा वो पुलिस सिराग पर से गुजरते हुए जहन्नम में गिर जाएगा अब जहन्नम में गिरने के बाद ये गुनाहगार कब तक जहन्नम में रहेगा एक तो वो है कि उसके दिल में ईमान भी है वो अपनी सजा पूरी करके रब की रहमत से जन्नत में चला जाएगा लेकिन एक इंसान गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है उसके दिल में ईमान की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती तो अल्लाह नबी अल्लाह रबीन ने इशाद फरमाया कि वो इंसान जहन्नम में रहेगा लाबिसना वो ठहरा रहेगा फीहा उस जहन्नम में अहकाबन अहकाब ये जमा है हकब की हकब की जमा है और मुफसरीन ने लिखा है कि हकब अस्सी साल की मुद्दत को कहते हैं अस्सी साल की मुद्दत को हमारे यहां साल 360 दिन का होता है अगर आप इस इस्तलाल पर गौर करेंगे तो इनशाला कभी भी गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि गुनाह की सजा बहुत खतरनाक है एक हकब 80 साल का और हमारी इस दुनिया में एक साल 360 दिन का होता है और अल्लाह के नजदीक एक दिन एक साल नहीं एक दिन इतना बड़ा होता है सूर्य मारिज में अल्लाह रब्बुल रबी फरमाता है कान ना मकदारमसी अलफसाना क्यामत का एक दिन अल्लाह के नजदीक पचास हजार साल के बराबर है अब आप एक दिन को अल्लाह के नजदीक एक दिन को दुनिया के दिन से जरब दे दें और फिर दुनिया के सालों को 80 साल से जरब दे दें यहां पर कई सदियां और कई अरब सदियां हो जाएंगी लेकिन अल्लाह ने अगर ये कहा होता कि एक हकब तक वो जहन्नम में रहेंगे तब भी कई सौ सदियां और कई हजार सदियां हो जाती लेकिन अल्लाह ने अहकाब फरमाया है अहकाब ये जमा है और जमा का इतनाक तीन से ज्यादा पर होता है और ये भी नहीं कहा कि तीन से ज्यादा हकब तक रुकेंगे फरमाया फरमायाबन उसकी कोई इंतहा नहीं बताई यानी ये हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे यही वजह है कि अल्लाह ने जब जहन्नम का तस्करा किया और बुरे लोगों का जिक्र किया तो कई मक़ामात पर तकरीबन छत्तीस मक़ामात पर खालिदीन अफिया के अल्फाज हैं कि वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे निकलने का कोई चांस नहीं है लेकिन इसके बरक्स जो लोग नेकियां करते होंगे अच्छे आमाल में लगे हुए हैं नेकी की पहचान समझ ली कि नेकी किसे कहते हैं खारजी और दाखिली पहचान समझ ली अब ये नेकियों में लग जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमी फरमाता है इन लगीना सबकत लहू मन्नल हुसना जो हमारे रास्ते में नेकियों में लग जाते हैं अच्छे काम में लग जाते हैं हा मुबादून मैं इन्हें उस जहन्नम से दूर रखूंगा बजा एक सादा सा आम फहम तर्जुमा है गुनाह करने वाला हमेशा जहन्नम में रहेगा लेकिन नेकी करने वाले के बारे में फरमाया मैं उस जहन्नम से दूर कर दूंगा ये इतनी खूबसूरत बात है अगर आप महसूस करें और मैं आप हजरात की खिदमत में यह पेश कर रहा हूं इसे आप गौर से समझें तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी करने वालों को क्या एजाज दे रहे हैं फरमाया मैं उन नेकी करने वालों को जहन्नम से दूर रखूंगा एक है अल्लाह का दूर और एक अल्लाह का करीब है एक हमारा करीब होता है एक अल्लाह का करीब होता है दोनों में फर्क होता है अगर अल्लाह के दूर को समझना है तो अल्लाह के करीब को समझना है क्योंकि वही उसूल में लगा रहा हूं तो अरफुल अशियादिहा कोई चीज समझनी हो उसकी जिद से समझ लो अल्लाह के दूर को समझना है अल्लाह ने क्या फरमाया मैं नेकी करने वाले को जहन्नम से दूर रखूंगा अल्लाह के दूर को समझना है तो पहले अल्लाह के करीब को समझ लीजिए करीब क्या है अल्लाह ने कुरान मजीद में हवाले से जिक्र किया है फरमाया पर जो तनवीन है वो इस बात की अलामत है कयामत कि बिल्कुल करीब है कयामत बिल्कुल करीब है और एक मकाम पर लफ्ज करीब भी है ला सा सा आता लेकिन हम देखते हैं जब से कायनात बनी है अरबों खरबों साल गुजर गए क्यामत आज तक नहीं आई हमारा ये ईमान और अकीदा है और हमारा ये नजरिया है कि क्यामत आनी है और उसी पर इंसान को जजा व सजा मिलेगी ये हमारे अकाइद में शामिल है लेकिन अगर आप सरसरी सा जायजा लें अगर आप यही गौर कर लें कायनात की इब्तदा को छोड़ें जब से ये आयत मुबारक नाजिल हुई है कि अल्लाह ने फरमाया मैं उस इंसान को नेकी करने वाले को जहन्नम से दूर रखूंगा आज से 1400 साल से ज्यादा का अरसा हो गया इस आयत को नाजिल हुए क्यामत आज तक नहीं आई ये अल्लाह का करीब है अल्लाह ने आज से साढ़े चौदह सौ साल से ज्यादा अरसा पहले यह कहा था कि ये क्यामत बिल्कुल नजदीक है ये अल्लाह का करीब है अल्लाह फरमाता है इन वनाराहू करीबा ये लोग उस क्यामत को बहुत दूर समझते हैं वनाराहू करीबा हम इस क्यामत को बिल्कुल नजदीक देख रहे हैं यह अल्लाह का करीब था अल्लाह का करीब इतना दूर है तो अल्लाह का दूर कितना दूर होगा ये आपने खुद महसूस करना है फरमाया मैं एक इंसान को नेकी करने वाले को मैं जहन्नम से दूर रखूंगा अगर नेकियों पर बात की जाए तो मैं आप हजरात की खिदमत में एक नेकी पेश करके इजाजत चाहूँगा एक नेकी अल्लाह ने हुसना हुसना ये हसन की जमा है हसनतुन की ये जमा है हुसना, अल्लाह ने फरमाया जो नेकियां करते हैं मैं उन्हें जहन्नम से दूर रखूंगा मैं एक नेकी उन नेकियों में से एक नेकी पेश करता हूं रोजा एक बड़ी बेहतरीन इबादत है और बहुत अच्छी नेकी है और इस रोजे के क्या ही कहने कि अल्लाह आलमीन ने फरमाया फरमायासोमुली व अन अजीब ही इस इंसान ने फर्ज रोजा रखा है इस फर्ज रोजे की जजा मैं खुद दूंगा क्योंकि आप जानते हैं हर अमल की जजा अल्लाह ने बता दी है मंजा फलहु फल अशरुम जो इंसान एक नेकी करता है अल्लाह उसे दस गुना बढ़ा चढ़ा के उसका जो तो सवाब देता है बाज नेकियां इतनी इखलास वाली होती हैं कि अल्लाह सात सौ गुना तक बढ़ा देता है मसलीना ينفقون اموالهم في سبيل الله كما صلى حب دين انبت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء الله 700 से भी ज्यादा बढ़ा देता है उन नेकियों में रोजे जैसी एक नेमत और उन रोजों में भी नफली रोजा फर्ज रोजा हम रख रहे हैं लेकिन नफली रोजे की अगर हम इब्तदा और हम नफली रोजे पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि ये इतना अजीम ने की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज के बारे में तो ये कहा अजजी भी इसकी जजा मैं खुद दूंगा लेकिन नफली रोजे के बारे में नबी सलात का इर्शाद और फरमान है आप जो अल्लाह के रास्ते में रब को राजी करने के लिए एक रोजा रख लेता है अल्लाह आलमीन उसे जहन्नम से इतना दूर कर देता है आमिन एक सौ साल की मसाफत तक अल्लाह एक रोजा रखने वाले को दूर फरमा देता है ये तो एक नेकी है और जो नेकियां करते रहेंगे तो अल्लाह उन्हें कितना दूर फरमा देगा नबी आलाम ने इस मसाफत को समझाने के लिए आपने एक मिसाल पेश की अगरचे ये रिवायत मिशका शरीफ में और मोसद अहमद में मौजूद है और ज़ईफ है लेकिन इसका ताल्लुक अमल से है और इसके मुताबिकत में बहुत सी रिवायतें मौजूद हैं अमल से मुतक रिवायत काबिल बयान भी होती है और काबिल अमल भी होती है लेकिन अकीदे से मुताल रिवायत वो ना काबिल बयान होती है ना काबिल अमल होती है मसीरत आमिन सौ साल तक दूर रखता है इसको इस तरह समझाया फरमाया एक कौवा बचपन से उड़ना शुरू कर दे और वो सारी जिंदगी उड़ता रहे हत्ता मात हरमन यहाँ तक के वो कव्वा उड़ते उड़ते बुढ़ापे को पहुंचकर मर जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इतनी मसाफत तक एक रोजा रखने पर जहन्नम से इतना दूर फरमा देता है और आज की तहकीक हमें बताती है कि कव्वे की औसतन उम्र सौ साल के लगभग होती है अब आप अंदाजा फरमाए कि अल्लाह आलमीन कितना मेहरबान है कि वो नेकी करने वाले को और एक नेकी करने वाले को जहन्नम से इतना दूर कर देता है तो जो इंसान अपने आप को रमजान करीम में और रमजान के बाद सारा साल नेकियों में मशगूल रखेगा कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लेगा रमज़ान के अलावा भी नफली रोजों का अहतमाम करेगा नवाफिल का एहतमाम करेगा सदकत खैरात में जिस तरह रमजान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था याम में और दीगर महीनों में भी वो इसी तरह लोगों के साथ हमदर्दी करेगा तो यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल रब्बालमीन हमें जहन्नम से दूर फरमा के जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएगा अल्लाह रब्बुल रब्लम से दुआ है कि रब्बुल रब्बालमीन हम सब को गुनाह से बचने की तोफीज दे और हमसे ऐसे नेक अमाल करा ले कि जो हमारे गुनाहों का कफारा बन के हमारे गुनाहों को खत्म कर दें और हम से ऐसी पावरफुल नेकियां करा ले कि जिससे हमारे लिए जन्नत का दाखला यकीनी हो जाए अकुलू कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वा आखिर दुआना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन